नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी पत्र कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए। कई माताओं बहनों का प्रश्न रहता है कि हम तुलसी कब तोड़ें, कब न तोड़ें, किस तिथि में, किस वार में। तो हम सोचे उनके लिए एक वीडियो बना देते हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तुलसी बिना नहाए नहीं तोड़ना चाहिए। वो कोई भी हो, बच्चा हो, बच्ची हो, सयाने हो, कोई भी बूढ़ा हो, कोई भी हो, बिना नहाए तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। और जब भी हम बाल में या अपने शरीर में तेल मालिश करें या तेल लगाएं, तो भले ही हम नहाए हों या हाथ धोए हों, जो व्यक्ति तेल का मालिश किया हो वो भी तुलसी न तोड़े। उसी प्रकार से अमावस्या, द्वादशी, पूर्णिमा, सूर्य संक्रांति, इन तिथियों में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। उसी प्रकार से रविवार के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी विवाह यानी एकादशी के दिन जो तुलसी विवाह होता है, उस दिन भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। सूतक और पातक में भी तुलसी नहीं तोड़ा जाता है। सूर्य उदय से पहले और मध्याह्न में भी, और सूर्य अस्त के बाद और रात्रि में भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जब भी तोड़ें, यानी कि जब हम तुलसी तोड़ते हैं, तो पहले हम तुलसी माँ को प्रणाम कर लें। और हम तुलसी किसके लिए, किस देवता के लिए तोड़ रहे हैं या किस औषधि के लिए, जैसे औषधि के लिए भी तोड़ते हैं, तब भी माता से बोलें कि हम भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, बजरंग बली जी के लिए, रामचंद्र, जिसको आप जिस पूजा में चढ़ाना है उनको बोलें कि हम इसी पूजा के लिए तुलसी पत्र तोड़ रहे हैं माता, हमारा पूजा भगवान को स्वीकार हो। फिर आप तुलसी तोड़ें। तुलसी तोड़ने की विधि होती है कि तुलसी कभी भी नाखूनों से न तोड़ें, तुलसी पत्र उंगलियों के द्वारा तोड़ें, और तुलसी पत्र कभी भी ऊपर के भाग से न तोड़ें, यानी ऊपर वाला भाग होता है जो माताएं क्या करती हैं, ऊपर के भाग को तोड़ती हैं। कभी भी तुलसी पत्र नीचे यानी जड़ से जो पत्ती शुरू होती है, वो भले ही पत्ती सूखी क्यों न हो या गिरी हो पत्ती, तब भी आप उसको ले सकते हैं, भगवान को चढ़ा सकते हैं। तुलसी हमेशा नीचे से तोड़ें। और तुलसी दल तभी तोड़ें जब भगवान श्री हरि विष्णु को शालिग्राम पर तुलसी चढ़ाना हो। दल यानी तीन पत्तियों वाली तुलसी तभी तोड़ी जाती है जब भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाना हो, अन्यथा कोई जैसे कि काढ़ा वगैरह बनाना है तो नीचे की ही पत्तियाँ तोड़ें। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि तुलसी का फूल, यानी ये देखिए ये तुलसी के फूल हैं, तो तुलसी का फूल सुहागिन औरतों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो बड़ी माताएं हैं, कन्याएं हैं, उनसे तोड़वा लें, मतलब ये भार माना जाता है, इनको तोड़ के रख लेते हैं, तमाम काम आता है। तो जब भी तुलसी जी का फूल उतारना हो तो सुहागिन औरतों को नहीं उतारना चाहिए। और जैसे कि तुलसी जी का जो फूल है तमाम औषधियों में, पूजा में काम आता है, भगवान श्री विष्णु जी को चढ़ता है, अगर ज़रूरत न पड़े तो आप इनको विसर्जन भी करवा सकते हैं। तो सुहागिन औरतें तुलसी मैया जी का फूल न तोड़ें, तुलसी का पत्ती हमेशा नीचे से तोड़ें। जो भगवान श्री गणेश जी के साधक हैं, व्रती हैं, जो भगवान श्री गणेश जी जिनके इष्ट हैं, आराध्य हैं, जो उनका पूजा करती हैं महिलाएं, जैसे कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी वगैरह का या बुधवार का जो पूजा करती हैं महिलाएं, विशेषकर उनके लिए बता रही हूँ कि वो सिर्फ वही बुधवार के दिन भी तुलसी न तोड़ें। यानी कि बुधवार भगवान श्री गणेश जी का दिन होता है, और भगवान श्री गणेश जी का और तुलसी माता का 36 का आंकड़ा है। तो बुधवार के दिन गणेश जी के साधक या विशेष माताएं जो अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए गणेश जी का व्रत करती हैं, या गणेश सकट चौथ या किसी भी गणेश जी के पर्व में जो विशेष पूजा करती हैं, उन माताओं के लिए है कि वो बुधवार के दिन भी तुलसी न तोड़ें। वैसे तुलसी पत्र 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है, आप 11 दिनों तक तुलसी तोड़ के रख सकती हैं। उसी प्रकार से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तब भी तुलसी छूना या तोड़ना नहीं चाहिए। ग्रहण के पहले आप तुलसी तोड़ सकते हैं, जैसा कि जब ग्रहण लगता है तो कई चीज़ों में हम तुलसी पत्र डालने के लिए तोड़ते हैं। तो आप ग्रहण से पहले, जैसे मैं बताई कि 11 दिनों तक तुलसी बासी नहीं मानी जाती, तो आप एक दो दिन पहले तोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से इनके अलावा आप सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, यानी बुधवार को भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। जो गणेश जी के भक्त हैं वही बुधवार को नहीं तोड़ेंगे, बाकी तुलसी तोड़ी जा सकती है। कई माताएं बोलती हैं कि मंगलवार के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, हर दिन, हर तिथि में और बाकी समय में तुलसी तोड़ी जा सकती है।
जो तिथि मैं आपको बताई हूँ उन्हीं तिथियों में वर्जित है, बाकी तिथियों में, बाकी दिनों में, बाकी समय में तुलसी तोड़ी जा सकती है। पर ध्यान रखें कि जिस देवता के लिए तुलसी तोड़ रहे हैं, माता तुलसी से कहें कि इन देवता का हम अनुष्ठान है, पूजन कर रहे हैं, ये आपका पत्र पूजा सहित उनको स्वीकार हो। तो मैं आपको बताई हूँ कि तुलसी पत्र कब तोड़ें और कब न तोड़ें, हमारे सभी माताओं बहनों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और तुलसी मैया का पत्र नीचे से तोड़ें, ऊपर से न तोड़ें, इसी प्रकार की जानकारी हम आगे भी आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए।